दोस्तों, अम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता है। अम्रपाली बहुत ही खूबसूरत महिला थी। उसकी खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती थी। प्राचीन भारत में आज से तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व लिच्छमीगण राज्य की राजधानी वैशाली में अम्रपाली का जन्म हुआ। कहते हैं एक गरीब दंपत्य को अम्रपाली एक आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली। उसके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वो आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली, इसीलिए उसका नाम अम्रपाली रख दिया गया। अम्रपाली अपने समय की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसकी अद्भुत सुंदरता का विवरण मिलता है। अम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालाहित था। पाली ग्रंथों के अनुसार राजा से लेकर व्यापारी हर कोई अम्रपाली को पाना चाहता था। अम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों के कारण अम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। अगर अम्रपाली के लिए कोई एक पुरुष उसके माता पिता उसके लिए चुनते तो नगर के बाकी लोग क्रोधित होकर उस पर हमला कर देते। इसी कारण 16 वर्षीय अम्रपाली की शादी किसी से नहीं हो पा रही थी। अगर कोई बड़ा राजकुमार या व्यापारी अपनी ताकत और दौलत के दम पर अगर अम्रपाली से शादी करता तो नगर में अशांति भी फैल सकती थी व हंगामा भी हो सकता था। इसीलिए अमीर और ताकतवर लोग भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। पाली ग्रंथों के अनुसार वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी एक अपनी सांसद हुआ करती थी। जब अम्रपाली की खबर वैशाली सांसदों के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता व शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है। इसीलिए उस दौरान अम्रपाली को नगर वधु यानी वैश्या बना दिया गया। अम्रपाली अब पूरे नगर की दुल्हन बन चुकी थी जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। अम्रपाली को नगरवधु बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से अम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार हो गई। अम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब किसी भी खूबसूरत महिला को 7 सालों के लिए दिया जाता था। अम्रपाली को अपना महल मिला, उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह वैशाली राज्य दरबार की नित्यांगना भी बन गई। अम्रपाली की अद्भुत सुंदरता की बातें ना केवल वैशाली राज्य तक सीमित थी बल्कि पूरी दुनिया में वह प्रचलित थी। दोस्तों, पहले के समय में जब अम्रपाली को नगरवधु की उपाधि दी गई थी तो ये एक सम्माननीय औहदा था। आज के समय में इसी चीज को वैश्यावित्री कहेंगे। पहले के समय में जो नगरवधु या राजदरबार की नित्यांगना होती थी उन्हें आज के सेक्स वर्कर्स से तो सम्मान कहीं अधिक मिलता था। अम्रपाली अपने नगरवधु के उपाधि से खुश तो नहीं थी, लेकिन उसे अपने वैशाली राज्य से बहुत प्यार भी था। इसीलिए अपने वैशाली राज्य को वो छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन उसके मन में अशांति छाई हुई थी। कई सारे राज्यों के राजाओं के साथ संबंध बनाने के बाद जब एक बार गौतम बुद्ध का आगमन हुआ वैशाली राज्य में, महात्मा बुद्ध की आने की बात पूरे राज्य में फैलते हुए देर नहीं लगी। जिसे जब पता चलता वह उसी वक्त महात्मा बुद्ध से मिलने चला जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली और शांत था कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित होकर नहीं रह सकता था। जब महात्मा बुद्ध की आने की खबर अम्रपाली को पता चली तब वो 16 सिंगार करके अपने 500 दासियों के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि जब अम्रपाली महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तब बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंख बंद करने के लिए कह दिया था, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि उनके वो शिष्य जो अभी भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह नहीं जान पाए हैं अम्रपाली की बेहद खूबसूरती से प्रभावित हो जाएंगे। जिनके अंदर अभी भी मोह और काम भावना जागृत है वे अम्रपाली को देखकर विचलित हो सकते हैं। अम्रपाली ने दर्शन के पश्चात बुद्ध को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अम्रपाली ने इतने प्रेम भावना और मधुरता से बुद्ध को आमंत्रित किया था कि बुद्ध मना ही नहीं कर पाए। जब ये बात बुद्ध के शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक वैश्या की आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है तब सारे ही शिष्यों ने उनका विरोध किया। उनका सबसे करीबी शिष्य योगेश तो जिद पे अड़ गया। शिष्य कहने लगे कि समाज में क्या संदेश जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि बुद्ध उस वैश्या के घर क्यों गए थे। लोग आपके लिए तरह तरह की बातें फैलाएंगे, आपके चरित्र के ऊपर तरह तरह की कहानियां बनाकर उसे प्रचलित करेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों की सारी ही बातें सुनकर बड़े ही शांति मन से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी है। अम्रपाली ने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह एकदम पवित्र और निश्चल थी। वह आज मुझसे मिलने एक नगरवधु या वैश्या बनकर नहीं
एकदम भक्ति भाव से मेरे पास आई थी। ऐसी भावना लेकर आने वाले व्यक्ति का प्रस्ताव कैसे मैं मना कर देता, फिर चाहे वो कोई वैश्या हो या कोई सन्यासी। दोपहर होते ही गौतम बुद्ध अमरपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके महात्मा बुद्ध की आने की राह देख रही थी। अमरपाली के मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बातों से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। लेकिन जैसे ही अमरपाली ने महात्मा बुद्ध को अपने घर आते हुए देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अमरपाली दौड़कर दरवाजे की ओर गई और उनका बहुत ही प्रेम भाव से स्वागत किया। उन्हें सम्मान पूर्वक विराजने के लिए कहा और अपने हाथों से भोजन उनको परोसा। महात्मा बुद्ध के शिष्य जो उनके साथ आए थे, एक वैश्या को जिसके कदमों में कई सारे सम्राट पड़े हुए मिलते थे, पूरा वैशाली राज्य जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उस अमरपाली को एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। जब गौतम बुद्ध भोजन कर रहे थे तो अमरपाली उनके सामने ही बैठकर बस एक तक उनको निहारते ही जा रही थी। महात्मा बुद्ध जिस शांति और एकाग्रता के साथ भोजन कर रहे थे, उसे देख अमरपाली बहुत ही प्रभावित हो गई। उसके महल में महात्मा बुद्ध के आने से जो पॉजिटिव एनर्जी, जो शांति फैल रही थी, उसका अनुभव जीवन में उसने किसी के आने से भी नहीं किया था। महात्मा बुद्ध के लिए अमरपाली के मन में जो आकर्षण उसके मन में उत्पन्न हो रहा था, ऐसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। महात्मा बुद्ध के तेज और आभामंडल से अति सुंदरी अमरपाली इतनी प्रभावित हो गई, उसके अंदर एक चेतना जागी। उसने महसूस किया कि असली शांति और आनंद तो महात्मा बुद्ध के चरणों में ही है। पल भर में ही अमरपाली को अपने महल, धन दौलत, बाग बगीचे, दास दासियां, सारी शानो शौकत व्यर्थ लगने लगी। इसीलिए अमरपाली ने मन ही मन बौद्ध भिक्षुनी बन जाने का निश्चय किया। जब महात्मा बुद्ध भोजन कर उठे, उसने उनसे विनती किया, मैं अपनी महल, बाग बगीचे, दास दासियां और सारी धन दौलत त्याग दूंगी, और उनसे कहा कि वे उसे अपनी शिष्या समझकर बौद्ध भिक्षुनी बनने का अनुमति प्रदान करें। महात्मा बुद्ध ने अमरपाली की आंखों में ध्यान से देखा और उसकी विनती स्वीकार कर ली। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। इससे पहले कोई भी स्त्री बौद्ध भिक्षुनी नहीं बनी थी। अमरपाली इसके पश्चात एक सामान्य बौद्ध भिक्षुनी बन गई और समाज के कल्याण के लिए उसने कई सारे काम किए। उसने पूरी उम्र अपना मुंडन करवाकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुनी का जीवन व्यतीत किया। अमरपाली को बस 16 वर्ष के उम्र में राज्य के आदेश से वैश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। अमरपाली का एक खूबसूरत लड़की से नगरवधु बनने का, उसके बाद बौद्ध भिक्षुनी बन जाने की यात्रा की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।